हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BSTC 2022 की काउंसलिंग को लेकर, क्या कुछ अपडेट आप लोगों के रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर सारी चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से लगभग 10 दिन पहले हमने ये वीडियो डाला था, जिसमें हमने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो प्री-डीलेट के कुछ कॉलेज है वो बढ़ेंगे, इस कारण से है वो आपके जो अलॉटमेंट में देरी हो रही है। इसके अंदर हम लोगों ने है वो आपके जो प्री डिलीट की समन्वय का है नीरू भारद्वाज जी, उनसे हमने बात की थी और वही कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी कि कॉलेज है वो बढ़ेंगे, इस वजह से है वो अलॉटमेंट में लेट हो रहा है। लेकिन इस वीडियो को डालने के बाद में जो कमेंट्स आप लोगों के आए कि ये तो फेक है, ये तो बनाई हुई है, ये तो स्क्रिप्टेड है, सारी चीज़ें। लेकिन अब आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूं, वो फेक थी या आप लोगों को कमेंट है वो फेक थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को डालने के बाद में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए कि ऐसा हो नहीं सकता कि कॉलेज बढ़े, काउंसलिंग वापस हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमने ये वीडियो भी डाला था अपनी सफाई देने के लिए कि जो हमने बात की थी वो कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी और बिल्कुल एकदम जेन्युइन थी। फिर भी इस वीडियो के बाद में भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों ने माना ही नहीं कि वो वीडियो सही था, ठीक है। कोई बात नहीं माना तो हम किसी को मनवा नहीं सकते ज़बरदस्ती, लेकिन अपनी है वो सफाई पेश कर सकते हैं। उसके बाद में हमने ये वीडियो डाला दैनिक भास्कर में, न्यूज़ आई दूसरे दिन, हमारे इस वीडियो के डालने के दूसरे दिन न्यूज़ आई दैनिक भास्कर के अंदर, ठीक है। हमने कॉल रिकॉर्डिंग डाली, उसके दो दिन बाद न्यूज आ गई दैनिक भास्कर में कि कुछ सीटें बढ़नी है, ठीक है, कॉलेज ऐड होने हैं, इस वजह से है वो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बंद हो गई है, ठीक है। अब बीच में हमारे पास में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, कॉल तक आ गए कि सर जी आपने तो उस वीडियो के बाद में, ये वीडियो हमारा लास्ट था BSTC पर, उसके इस वीडियो के बाद में हमने कोई वीडियो BSTC पर नहीं डाला क्योंकि कोई अपडेट था नहीं। हाँ, अपडेट था नहीं ऐसी बात नहीं है, हम चाहते तो कॉल करके अपडेट ले सकते थे, नीरू मैम से, नीरू भारद्वाज से बात कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की बात। किस कारण नहीं की? क्यों? पिछली कॉल रिकॉर्डिंग को आपने फेक माना, हमने आपको समझाने की कोशिश की फिर भी आप लोग नहीं समझे, हमने कहा अब इनको बच्चों को इनके भरोसे छोड़ दिया जाए, जब अपडेट आएगा तो अपडेट हम दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, देखो यहाँ एक कमेंट आया था मेरे पास में कि सर BSTC को भूल गई क्या, CET आने के बाद में अभी लिस्ट नहीं आई है, कुछ करो यार, हमारी BA भी अटकी पड़ी है, अभी सर आप कुछ लोगों के गलत कमेंट से नोटिफिकेशन देना बंद कर दोगे क्या, कुछ अच्छे भी तो है अभी। हाँ बिल्कुल, इसने बोला है कि कुछ बच्चों के कमेंट करने से, मतलब 4, 5, 10, 15 बच्चों कमेंट करने से आप हज़ारों बच्चों कैसे भूल सकते हो, लेकिन भाई साहब जब आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है ना तो सब भूलना पड़ता है। तो खैर सब बातों को छोड़ो, फाइनली आप लोगों के एक अलॉटमेंट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर बड़ा अपडेट है न्यूज़ के अंदर, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को उदयपुर क्लासेज पर विश्वास है वो तो उनका विश्वास बना रहेगा, हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, जो न्यूज देंगे ऑथेंटिक देंगे। यहां पर देखो आपके नए कॉलेजों में अभ्यर्थियों को इसी छात्र से प्रवेश मिलेगा, आपके कुल 10 कॉलेज बढ़ाए गए हैं, इसमें 950 सीटें हैं, यानी 10 कॉलेजों को मान्यता मिल गई है, नए कॉलेजों को मान्यता मिल गई है और 950 सीटें हैं वो रहने वाली है, ठीक है। अब ये कॉलेज कहाँ कहाँ जुड़े मैं आपको बता देता हूँ, आपके 10 कॉलेज कहाँ कहाँ जुड़े हैं, थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ ये 10 कॉलेज है वो कहाँ पर ऐड है वो किए गए हैं। अभी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर नए कॉलेजों में जयपुर में आपके 4 कॉलेज जुड़े हैं, झालावाड़ में 3 कॉलेज हैं, सीकर में 2 है और चुरू में 1 कॉलेज शामिल है, ठीक है, जो हमने बताया था कॉलेज ऐड होंगे वही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके क्या हो सकता है, वापस काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है, अब आपकी काउंसलिंग है वो वापस शुरू होगी, इन 10 कॉलेजों को ऐड करके काउंसलिंग के अंदर आप वापस काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शामिल हुए इनको नए कॉलेजों काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के शिक्षा विभाग को संशोधित शेड्यूल जारी करना होगा, नए और पुराने सभी अभ्यर्थियों को नए कॉलेज में प्रवेश का विकल्प देना होगा, ठीक है। अब आपके वापस काउंसलिंग शुरू होगी, वापस काउंसलिंग का मतलब यह नहीं है कि जिसने 3000 रुपए दे दिए हैं उसको वापस और 3000 देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई थी ना कि हमने काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है, सीटें कम है, तो भाई साहब 1000 सीटें बढ़ गई है, थोड़े बहुत नंबर भी आपके कम आ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग वापस शुरू होगी तब, ठीक है। जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा दी है उनको पैसा नहीं देना है, उन्होंने जो लॉक किए थे सारे के सारे कॉलेज वो अनलॉक हो जाएंगे और उसके अंदर ये जो नए वाले 10 कॉलेज है ये ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। अब नीरू मैम जी यहाँ पर क्या कह रही है, देखो आप लोग, इसमें ये लिखा है कि जयपुर, चुरू, झालावाड़, सीकर के 10 कॉलेजों को शिक्षा सत्र 2022-23 की काउंसलिंग प्रक्रिया में
शामिल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जल्द ही अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, कॉलेजों का आवंटन जल्द ही नहीं किया जा सकता, उन्होंने लिखा है आवंटन की प्रक्रिया, लेकिन इनको पहले काउंसलिंग का 2-3 दिन के लिए काउंसलिंग शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ लो आज शाम तक यदि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है, वापस काउंसलिंग को होने को लेकर नोटिफिकेशन आता है, काउंसलिंग पुनः शुरू होती है, तो आप लोगों के 2-3 दिन में काउंसलिंग हो जाएगी और 4-5 दिन बाद अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक बात लिखी हुई, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपकी अलॉटमेंट है वो कब तक हो जाएगी, इसमें एक चीज़ लिखी बता देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो एक न्यूज लिखी इसमें, ठीक है, यहां पर देखो न्यूज लिखी है कि अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, यानी दिसंबर का लास्ट सप्ताह आपके, यानी दिसंबर के अंतिम दिन या फिर जनवरी में होने की संभावना है। यानी अभी तो बहुत रेयर चांस है कि 2-3 दिन के अंदर हो जाए, कि वापस काउंसलिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। ठीक है, लगभग जनवरी के अंदर आपके अलॉटमेंट होने की संभावना है, पहले है वो आपके नहीं है। तो आपको खुशखबरी नए साल में मिलने वाली है, बस आशा करता हूँ कि नया साल आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए, आपका BHTC में आपके कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, फिर आप 2 साल रीट करो और 2 सालों की रीट के बाद में आप 3rd ग्रेड टीचर बनो। बस ये मेरी शुभकामना रहेगी, बस सभी को कॉलेज मिले, सभी विद्यार्थी 1000 सीटें बढ़ गई है, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो काउंसलिंग में भाग ले लेना, और जिन्होंने काउंसलिंग पहले करवा दी थी वो काउंसलिंग के अंदर अपने नए कॉलेज ऐड कर देना। तो ये थी न्यूज़, कैसी लगी कमेंट करके मुझे बता देना आपको। हाँ, वेट करना पड़ता है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, जरूर हमको वेट करवाए, लेकिन 1000 सीटें बढ़ने के बाद ही है वो हमारी न्यूज़ आई है। ठीक है, तो आप ही रहो यार, खुश रहो, थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे पता है आपकी BA की प्रॉब्लम है, तो आप BA का फॉर्म एग्जाम फॉर्म भर दो टाइम पर। ठीक है, आप बाद में उसको कैंसिल भी कर लेना। ठीक है भाई, भी संदेह नहीं, मत यदि आप एडमिशन BHTC में हो जाता है तो BA की परीक्षा देना, आप ओपन से BA कर देना। ठीक है, यही ऑप्शन आपके पास बच सकता है। बाकी तो आपका कोई कमेंट है, राय है, तो नीचे न्यूज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अगला कोई अपडेट जैसे ही आएगा काउंसलिंग को लेकर, मैं आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।